लोसर है, वी हैव फाइनली रीच्ड लुकला। अंकल बहुत मजेदार आदमी है, खाली हंसता रहता है, आंटी भी हंसती रहती है। एवरेस्ट बेस कैंप के सफर में डे 8 पार्ट 2 में आप लोगों ने देखा हम बुप्सा से सुरगे पहुंचे, जो है 18.4 किलोमीटर एंड हमारा स्टेप काउंटर इज शोइंग 29,873 स्टेप्स। आज सुरगे से लुकला कितना है वो तो लुकला पहुंच के ही पता चलेगा, बट यहाँ के लोकल्स बोल रहे हैं कि सुरगे टू लुकला इज जस्ट 5 किलोमीटर, बट ये पूरा चढ़ाई है। तो चलो सुरगे के गेस्ट हाउस से शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। इतना चला कल 29,015 किलोमीटर साला सॉक्स ने गिव अप कर दिया, और यहाँ से नूनू ने सॉरी वो निकलना निकल के बाहर आ रहा है इसका, वो क्या वो निकल रहा है वो थंब जैसे ऐसा होता ना कि मदर्स के वोम से एक बच्चा निकलता है, उस तरह का ऐसा हो सिचुएशन अभी इसका। गुड मॉर्निंग गाइज, हैप्पी लोसर टू यू गाइज ऑल ऑफ यू। ये एक फेस्टिवल है नेपाल में ना? हाँ नेपाल में नहीं, ये एक्चुअली तिब्बतन फेस्टिवल है। ओके तिब्बतन फेस्टिवल है। आज अरुणाचल में बोलो कहीं भी बोलो जितने भी है ना इंडिया में भी जहाँ जाते हैं तिब्बतन से हर जगह में फेस्टिवल हो रहा है, मतलब वो लोग करते हैं। ओके ओके फॉर देम इट्स अ न्यू ईयर बेसिकली। तो अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं और मीनवाइल आप लोगों को रूम दिखा देते। हम लोगों ने कल इस रूम पे थे, सब साइड से ब्यूटीफुल व्यू है। बेला को रात को सोया यहाँ पे, उसका स्लीपिंग बैग लगा दिया था ये, और ये जो इसने पहना हुआ है बेस्ट ये पहन के था। इसका व्यू आज का दिन ऐसा है, चलो लेट्स गेट रेडी। आज लोसार फेस्टिवल है तो हम लुकला जा रहे हैं अभी एक दोस्त के वहाँ। उसके बाद क्या होगा कि मैं जाऊँगा अकेले पहले, जितना जल्दी हो सके एवरेस्ट बेस कैंप करके आऊँगा, फिर मेरे आने के बाद बेला का ख्याल रखूँगा मैं, फिर चाउमा में जाएंगे। क्यों बोल दे? क्योंकि बेला को लेके जाने को अलाउ नहीं कर रहे, तो जो कंजर्वेशन एरिया है वहाँ पे मना कर दिया है कि डॉग्स आर नॉट अलाउड एट ऑल। भी रिसेंटली ये सब आया हुआ है, तो जो भी हो हम कुछ ज़्यादा दिन लगेगा, 4-5 दिन ज़्यादा लगेगा, बट वी विल डू इट। हमें जाना पड़ेगा लुकला, यहाँ से 5 किलोमीटर है, कम से कम 2-3 घंटा तो लग जाएगा, अपहिल है ये देखिए, ऐसे ऐसे ऊपर जाना पड़ेगा। बेला भी रेडी है, क्या वेस्ट पहना यार तूने, ये बेचैन हो रही है चलने के लिए। चलो 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 रुक जा रुक जा, इसको निकालने दे पहले, इसको निकालने दे। वेट 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 वो या वेट 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 वेट, चलो 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 कम ऑन लेट्स गो सुरु। मोस्ट ऑफ द गेस्ट हाउसेस में यहाँ इंटीरियर्स कुछ इस तरह का होता है, खाने के लिए टेबल्स एंड साइड में बेंच लगा रहता है। लोसर है, लोसर में प्रसाद। ओह फक आकाश क्या गिरा रे, कोई नहीं कोई नहीं, अच्छा वही निकल गया। दीदी ओ ए नहीं खस्यो के माथि को यो खस्यो हाथ में, ए हाथ में पनि क्या दे रे। द वेदर इज वेरी कोल्ड एट नाइट, सो चाय बार बार नहीं बना सकते यहाँ पे, चाय बना के हॉट फ्लक्स में रख देते हैं, सो दैट द गेस्ट या तो कस्टमर्स को फ्लक्स से ही निकाल के दे सके। और क्योंकि आज लोसर है तो हमें चाय के साथ कुछ स्नैक्स भी मिल रहा है, और ऐसा स्नैक हर घर में आज लोसर के दिन बनता है। ये 20 kg का जो लगेज है 20 या 25 kg का है, ये मेरा ऐसा लग रहा है कि सोल्जर डिसलोकेट कर देगा, इतना हैवी है, और अपहिल जाना है ये आप लोग देख सकते हो। हैप्पी लोसर, कम कम दिस साइड। इसका ये स्ट्रैप निकला हुआ है, इसको ठीक करता हूँ। सीधे इधर इधर वेट 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 तेरा स्ट्रैप निकला हुआ है, इसको लगा दूँ पहले। ओ टोपी भूल गया मेरा लाल, जो बहुत ही ज़रूरत पड़ेगा ऊपर। ये एक फ्लेक्सिबल लीश है जो यहाँ से रोल आउट करके जाता है और 5 मीटर दूर तक जाता है, काफ़ी हैंडी हो रहा है। तो इसको मैं आराम से
कहीं पे भी जाती है तो आराम से इसको खींच भी सकता हूँ और इसको लॉक भी कर सकता हूँ। तो ये देखिए वापस आ रहा है ना, तो यहाँ पे रोल इन हो गया है इसके अंदर, देखिए ये शॉर्ट हो गया। तो इट्स क्वाइट हैंडी एंड इसको मुझे स्पॉन्सर किया था बियर हग्स ने, सो आई वुड लाइक टू थैंक बियर हग्स फॉर दिस ब्यूटीफुल थिंग। और वो जो बेला ने वेस्ट पहना हुआ है ना, ये वाला जो वेस्ट, ये वाला वेस्ट भी हमें स्पॉन्सर किया था बियर हग्स ने। और इसके साइज जो पॉकेट्स आपको दिखाई दे रहा है उसमें बेला का खाने का और उसका मंकी कैप है। तो कुछ सामान मैं इसी को दे रहा हूँ 1 kg के आसपास, तो आराम से वो कैरी कर पा रही है एंड आराम से खेलते हुए भी आराम से जा रही है वो। मिल गया, चलो प्रकाश को टोपी मिल गया, हम ऊपर चलते, चलो लेट्स गो। कल हमने 29,873 स्टेप्स चढ़े हैं, मतलब वॉक किया है। 18.4 किलोमीटर्स हम लोगों ने चले हैं 7.28 आवर्स में, वो भी पहाड़ों में। आज का 466 ही हुआ है, 9 मिनट्स हुआ है अभी एंड 280 मीटर्स ही हुआ है। 8:40 को स्टार्ट किया था, बेला को आ गया सुसु या पॉटी तो आ ही रहा है, कम से कम खा तो रही है। चलो लुकला जाने के टाइम, लुकला तक ट्रैक करने का ऐसा रास्ता है पूरा अपहिल और मैं पानी सिप सिप मारते हुए जा रहा हूँ। टाटो पानी मीन्स हॉट वाटर। बेला को प्रकाश के साथ ऊपर भेजा है, वो ऊपर पहुँच गए और पीछे मेरे दो डॉगीज फॉलो करते हुए आ रहे हैं, वो वहाँ से जा रहे हैं, वहाँ से दो है। आजा आजा आजा, भाग गए। देखिए पहाड़ों में ये कल्चर ही है, डॉगीज फॉलो करके आते हैं। मैन फ्लीस खोल दिया, मैं पसीने से लोटपोट हूँ, देख रहे हो आप लोग। बट प्रकाश ने बोला है सर का जो हीट है वो बाहर जाने नहीं देना चाहिए, पूरा बॉडी को कंट्रोल करता है उसी हीट से, तो आराम आराम से चलते जाना। क्या प्लान्स है ये सब, नीचे तो रोडोडेंड्रोन दिख रहा था। गाइज वी आर ऑलमोस्ट इन लुकला, आपको कैसे दिखाऊं? वो ऊपर यहाँ पे वहीं पे एयरपोर्ट है, देखिए हेलीकॉप्टर कहाँ से आ रहा है। पहाड़ों में ऐसा ही होता है, देखने में सामने लगता है मगर है बहुत दूर। अब डेस्टिनेशन सामने था तो थोड़ा अच्छा भी लगने लगा था, सो हम चलते गए। अब क्योंकि एयरपोर्ट है आगे तो फ्लाइट्स दिखता रहता है कुछ इस तरह का, कभी हेलीकॉप्टर उड़ते हुए दिखेगा नहीं तो चार्टर फ्लाइट्स। थोड़ी दूर और चला और हम पहुंचे लुकला का गांव, सॉरी गांव नहीं टाउन, एयरपोर्ट है तो टाउन ही होगा ना। फाइनली आफ्टर 7 days ऑफ मोटरसाइकिलिंग एंड हाइकिंग, 5 days ऑफ मोटरसाइकिलिंग एंड 2 days ऑफ हाइकिंग, वी हैव फाइनली रीच्ड लुकला। एंड आपको हेलीकॉप्टर का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, मैं आपको एयरपोर्ट का छोटा सा झलक एक दिखला देता हूँ। ये वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एयरपोर्ट्स है, ये देखिए ये है रनवे, दिस इज़ द रनवे एंड दिस इज़ द विलेज। प्रकाश आगे कहीं पे है, लेट्स फाइंड हिम आउट। वाव अमेजिंग मैन, ब्यूटीफुल विलेज। ये एवरेस्ट बेस कैंप, अगर एवरेस्ट के लिए गेटवे नहीं होता ना, यहाँ पे भीड़ बहुत ही कम होता। बट कितना सारा देखिए घर वर बना हुआ है, वाव नाइस, लेट्स गो एंड चेक द एयरपोर्ट। तो ये है दोस्तों तेनजिंग नोर्गे एयरपोर्ट जो कि लुकला में है। जितना भी ट्रैकर्स देश विदेश से आते हैं सब यही लैंड करते हैं टू ट्रैक टू एवरेस्ट बेस कैंप। वेल तेनजिंग हिलारी एयरपोर्ट के बारे में मैं आने वाले एपिसोड में बताऊंगा। मीनवाइल प्रकाश इज ट्राइंग टू फाइंड आउट कि बेला को एवरेस्ट बेस कैंप ले जा सकते हैं कि नहीं। यहाँ के डायलॉग भी बोल रहे हैं कि आप लेके जा सकते हो, कितने डॉग्स आते जाते रहते हैं।
बट टू बी ऑनेस्ट इनको भी पता नहीं कि अलाउड है या नहीं बिकॉज ये स्ट्रिक्टली कहीं मेंशन ही नहीं है। और ये डॉग्स को सागरमाथा नेशनल पार्क नहीं लेके जाना ये रिसेंटली ही रूल बनाया है। हम एयरपोर्ट से निकले और अपने दोस्त अनिल के घर की तरफ चलने लगे एंड एट द सेम टाइम प्रकाश मुझे मनाने की कोशिश कर रहा था कि लेट्स ट्राई टू टेक बेला। नहीं देगा तो जहां से नहीं अलाउ करते हैं उसके नीचे ही रुक जाएंगे क्योंकि वहां पे गांव है। सेलिंग में जाके आप एक दिन आपको जोर सेलिंग में गए आप अगले दिन आके यहां पे रुक जाना अगर हो गया तो हो गया नहीं हुआ तो फिर देखा जाएगा। बट आई सेड नो लेट्स नॉट टेक द रिस्क एंड हम पहुंचे अनिल के घर। ऑलराइट गाइस सो वी हैव रीच्ड लुकला इफ आई हैव आई ऑलरेडी हैव शोन यू द एयरपोर्ट ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल इज हियर एंड वी हैव कम टू अनिल्स प्लेस वी हैव मेट हिम व्हाइल आवर ट्रैक अप till here yesterday he came back home and this is his place very beautiful somehow I like the local thing here and yes we are here and we have some plans to make but first of all thank you Anil you have invited Welcome. Us to your home also thank he you, helped auntie. Us find a stay last night yeah. He is the whole credit us. Till here goes to him and I would like to check one thing just check out how much what is the weight do they have 13 to 14 kilos. Yeah. So this is the weight I was carrying almost 70% of the luggage is of hers. Okay. Mine is 30s. Just little bit, not much. Ek kaam karte hain. Suno, let's not waste time. I want him to go with me. It's okay. We will manage. Okay. Like manage with the food and stay and everything. We can do that. While we come back, we'll give him whatever we can. Matlab if he's okay with it. So, यहाँ पहुंच के प्रकाश ये चाहता था कि अनिल भी हमारे साथ ऊपर जाए टू एवरेस्ट बेस कैंप एज अ गाइड एंड ऑल्सो हेल्प अस टू टेक बेला विद अस बट मैंने प्रकाश को समझाया कि वी आर इन अ डिफरेंट कंट्री एंड वी मस्ट नॉट ब्रेक द रूल्स इट इज नॉट गुड फॉर एनी ऑफ अस सो कुछ टाइम हमने डिस्कस किया और फाइनली ओके गाइस सो व्हाट वी हैव डिसाइडेड इज प्रकाश विल बी गोइंग टू एवरेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे So we are at Namche, we are in Lukla at Anil's place. So I'll be staying here. Kuch din main Anil ke yahan pe rukunga aur Bela ka khayal rukunga because Bela is not allowed. So ye upar jayega, he will try to complete the track from here again to EBC and come back in 6 days. Let's see. Anil bhai. And Anil ke yahan pe main yahan pe ruk ke na, yahan wahan ghumne ki koshish karunga. Yahan pe jitne saare dogs wagera hai. उनको फीड करने की कोशिश करूंगा बजट का भी इश्यूज है थोड़ा सा तो विल ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग मीनवाइल 6 दिन मैं यहाँ पे मजे से अनिल भाई के साथ रहूंगा एंड वी विल गो आउट एंड फीड द डॉग्स हियर एंड आई स्पेशली वांट टू हेल्प अनिल इन प्रमोटिंग नेपाल टूरिज्म आल्सो एंड एट द सेम टाइम टू हिम आल्सो बिकॉज ही इज हेल्पिंग मी इन सच अ वे अगर मैं यहाँ पे रहना खाना मुझे बहुत कम सस्ते में इसने मुझे कुछ दिन के लिए 14 दिन के आसपास हमें रहना पड़ेगा बिकॉज व्हेन ही कम्स बैक प्रकाश कम्स बैक प्रकाश विल टेक केयर ऑफ बेला एंड आई विल गो सो आई हैव टू सी बिकॉज इफ आई कैन डू दिस अलोन और नॉट देयर लॉट ऑफ थिंग्स मीनवाइल प्रकाश विल बी लीविंग फ्रॉम हियर सो आई थिंक ही इज राइट नाउ बिजी एंड बेला इज ऑल्सो लिटिल विल बी लिटिल अपसेट बिकॉज प्रकाश चला जाएगा तो इसको प्रकाश ने हैंडल किया है थोड़ी दिन और मेरे साथ रहेगी और अनिल के साथ रहेगी विल फाइंड आउट समथिंग So that's Prakash leaving for Everest Base Camp and hum log yahan pe rukenge all alone all alone I didn't think I would do it alone anyway take care Thank come you back so much. Give me the itinerary yes and I will go bye Anil bhai lado Prakash yahan se solo Everest Base Camp track karne ja raha tha it's not an easy task akela bahut kam log hi ye track karne jata hai aur kuch log to kho bhi jate hain जो आपको आगे आने वाले एपिसोड्स में दिखेगा प्रकाश के जाने के बाद मौसम अचानक से कुछ ऐसा हो गया और बहुत ही ठंड हो गया सो एक ही उपाय था ओके गाइस सो आज का जो अपडेट है आप लोगों को पता चल गया हम लोग लुकला पहुंच गए थे एयरपोर्ट दिखा दिया था प्रकाश चला गया एबीसी के लिए अभी तक मोंजो पहुंचा है एंड मैं अंकल के यहाँ पे रुका हुआ हूँ एंड कुछ दिन भर कुछ काम नहीं किया तो वी आर जस्ट रिलैक्सिंग एंड अभी अंकल आग लगा रहा है तो यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं और बहुत ही ठंडा है बिकॉज इट्स ऑल फॉगी ऑल अराउंड सब तरफ बहुत ज़्यादा फॉग है ओह ब्यूटीफुल व्हाट इज दैट माउंटेन्स हाँ सुंदर दिख रहा है ना क्या क्या है माउंटेन एवरेस्ट दिस माउंटेन नेम इज मुझे नहीं पता
Okay, so it's behind this. So behind this is Everest or what? Yeah. Oh, it's a long way we have to go, no? Yeah. Okay, okay. यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है. Anyway, so yes, we met a friend. What is your name? Pemba. Pemba. Yeah. We met in Pemba. Is a very good friend of Bella's now. they are playing for some time. And Bella को यहाँ पे खुला छोड़ा है. Because every time keeping inside home is not, she will not feel well. So she's coming, getting familiar. Everybody is liking her. And uncle is very nice. Thank you so much. Okay. Uncle बहुत मजेदार आदमी है, खाली हंसता रहता है. Auntie भी हंसती रहती है. Anil गायब है. I Anil. So yes, we are just having some time here. और I'm sure आप लोगों को पता चल गया कि Bella को क्यों लेके जा नहीं पाए, because सागरमाथा में डॉग्स अलाउड नहीं है बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस. जो रीजंस मैं आप लोगों को एग्जैक्टली क्या है बताऊंगा, बट आई हैव टू रिसर्च ऑन दैट एंड सब लोकल से पूछ के एग्जैक्टली क्या है तभी बता पाऊंगा. अदरवाइज ऐसे ही रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देना सही नहीं रहेगा. बट इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू ब्रिंग योर डॉग्स टू EBC. यस, अभी प्रकाश जब वापस आएगा तो हम जाएंगे. मैं यहाँ पे 6-7 दिन हूँ तो यहीं पे घूमूंगा, जो भी करना है करूंगा, आप लोग को दिखता जाएगा. आज के लिए थोड़ा यहीं पे मजे करते हैं. मजे तो बेला कर रही थी. आते ही बेला ने अपने लिए बहुत ऑडियंस बना लिया था. एंड आई वाज हैप्पी बिकॉज बेला वाज हैप्पी. उस रात को पेम्बा ने मुझे चांग पिलाया, जो एक यहाँ का लोकल ड्रिंक है, काइंड ऑफ अ राइस बियर. और खाने में आंटी अंकल ने दिया राइस विद पोर्क, और चाहिए ही क्या था. वोंट यू कॉल दिस अ परफेक्ट एंडिंग.